भी प्राइवेट सेक्टर अलाउ करना चाहिए। उसमें जो सपना देखा हमने भी और जिस प्रकार से फैसले किए, आज वहाँ पर इतनी संस्थाएँ आ गई, वहाँ पर जो प्रीमियर संस्थाएँ पंडित नेहरू ने शुरू करी थी आज़ादी के बाद में, वो तमाम संस्थाएँ राजस्थान के अंदर है। आईआईटी है, आईएम है, ट्रिपल आईटी है, एम्स भी है, साथ में विश्वविद्यालय 6 थे उस वक्त में, आज 91 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर है। इसी प्रकार से कृषि विश्वविद्यालय हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद की, हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है। एविएशन यूनिवर्सिटी भी इस बार मैंने बजट में घोषणा करी है। तो तमाम तरह के वहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी खड़ी की। वहाँ हमारी रिफाइनरी बन रही है तो पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में, तो उसके आधार पर यूनिवर्सिटी चले, वो भी हमने काम शुरू किया और नवाचार भी किया हमने। गाँव के अंदर आपको जाने खुशी होगी, अंग्रेजी की स्कूलें खोली हमने पहली बार। वैसे मैं अंग्रेजी के खिलाफ था बचपन के अंदर खुद भी, अंग्रेजी क्या काम आएगी। दक्षिण के अंदर हमारे राज्य थे वो हिंदी के खिलाफ थे, हम जब पढ़ते थे तब। उत्तर के राज्यों में था भाई अंग्रेजी क्या काम आएगी। पर आज हम देखते हैं कि जो राजीव गांधी का सपना था 21st सेंचुरी का, कंप्यूटर, अब इंटरनेट की सेवाएं आ गई, मोबाइल फोन आ गया, आईटी क्रांति हो गई, रिवोल्यूशन हो गया है। गवर्नेंस के लिए भी आईटी आवश्यक हो गई। तो महसूस करते हैं कि अंग्रेजी का जो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज भी हो गई है उसका अपना महत्व है। हमने गांव में स्कूल खोलने शुरू करी है, करीब 1,500 स्कूल खुल चुके, 2,000 स्कूल और खोलने जा रहे हैं। पर गांव वालों ने भी एक्सेप्ट किया उसको, मुझे खुशी से बात की है, गांव वालों ने एक्सेप्ट किया। और इतनी भीड़ पड़ रही बच्चों की कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए वहाँ पर।